हेलो दोस्तों, मैं हूँ वरेंद्र। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से HP इंकजेट डेस्क जेड F4488 का जो MT कार्ट्रिज का एरर है उसे आप कैसे रिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह से आपको अगर एरर मिलती है तो आप कोई भी प्रिंट नहीं निकाल सकते, जबकि आपकी कार्ट्रिज के अंदर अभी तक इंक प्रेजेंट है, उसके अंदर है, तो आप इसे रीसेट कर सकते हैं। सिंपली ये ट्रिक है, पावर बटन दबाइए और साथ में ही कैंसिल बटन दोनों को प्रेस कीजिए साथ में। आई थिंक 30 से 40 सेकंड तक वेट कीजिए, तो उससे क्या होगा कि ये जो एम्प्टी इंक का एरर है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देख सकते हैं कि आराम से 30 से 40 सेकंड के ऊपर हो गया है, तो मैं ट्राई करना चाहूँगा कि छोड़ के देखता हूँ कि होता है कि नहीं, क्योंकि कई बार ये ट्रिक काम नहीं करती फर्स्ट टाइम में। तो आई थिंक यस इट्स वर्क। देखिए कि यहाँ पे लेवल बढ़ रहा है, आराम से देख सकते हैं कि दोनों में एक एक पॉइंट बढ़ गया है। ठीक है, तो ये थी ट्रिक, बहुत ही आसान सी, आप ट्राई करना। अगर पहली बार में नहीं होता है तो आपके इंक सेट को बंद कीजिए, दोबारा चालू कीजिए और ट्राई कीजिए। आई एम श्योर ये हो जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।